हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ अपने लिए ज़रा फेयर कट करने वाली हूँ, किस तरीके से कट करूँगी। पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। पार्लर से रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड और वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। जो भी चीज़ें सीखनी है आपको पार्लर को उससे रिलेटेड, वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मैं जरूर लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। और बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है डियर। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी अपनी लाइफ में। मैं बिहार से सीधा नोएडा शिफ्ट हुई हूँ और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही बिजी थी, जिसकी वजह से मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाई थी। उसके लिए वेरी सॉरी जिनको भी ये फील हुआ कि मैं उनको रिप्लाई नहीं देती हूँ। हाँ जी, जिनका भी कमेंट अच्छा लगता है उनको मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। और आप समझ ही सकते हो सभी लोग अच्छे ही कमेंट नहीं करते हैं, तो जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं उनको दिल से शुक्रिया। और मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं सबके मैसेज देखती हूँ, सबकी नोटिफिकेशन सॉरी सबकी मैसेज कमेंट्स देखती हूँ और लाइक करके छोड़ देती थी, रिप्लाई नहीं कर पाती थी। बट अभी मैं सबको रिप्लाई भी दूँगी एंड लाइक भी रात के टाइम पर आया करूँगी, जिससे कि आपका कोई भी ब्यूटी पार्लर को उसमें से रिलेटेड डाउट रह जाए तो आप मुझे लाइव में भी पूछ सकते हो, जिसको मैं क्लियर कर दूँगी। एंड आज मैं ये हेयर कट करने वाली हूँ अपने, तो किस तरीके से कट करना है चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जो भी ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड काम सीखना चाहता है उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। और मेरे सेकंड चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। इंस्टा आईडी और सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से इजीली आप मेरे दोनों चैनल्स पे जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हेयर कट स्टार्ट करते हैं। हेयर कट करने से पहले आपको हेयर को अच्छे से गीला करना होगा, जो कि मेरे बाल सूखे हुए हैं और स्प्रे बॉटल मेरा गाँव ही छूट गया और मैं यहाँ पर मार्केट अभी गई नहीं हूँ, एक महीना हुआ मुझे सीख हुए। जैसे ही मार्केट जाऊँगा स्प्रे बॉटल ले आऊँगी, तो मैं अभी इसको बाथरूम से गीला करके आती हूँ बालों को। तो मैंने बालों को गीला कर दिया है। अब और बहुत सारे लोगों को लगेगा कि बाल गीला करने का जरूरत है कटिंग करने का, डियर बालों को गीला करना बहुत जरूरी है। या फिर आप कस्टमर पे कट कर रहे हो या फिर खुद पे कट कर रहे हो, गीला इसलिए करना है, गीला करने से बाल आपके मैनेज रहते हैं एंड जो कटिंग होती है वो प्रॉपर होती है, बिल्कुल भी 19-20 नहीं होता। जैसा आपको कट चाहिए वैसा ही होता है। मैंने बालों को गीला कर लिया है और मैं अपने यहाँ पे कितने हेयर कट करने वाली हूँ सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा पूरा अच्छे से प्रॉपर वे में सीखने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके बाल ख़राब हो जाए अगर आप अच्छे से नहीं देखोगे तो। आपको सादे बालों को अच्छे से कॉम करने हैं और एकदम हाई, यानी कि जो ईयर है आँख कान के सेंटर में एकदम यहाँ पे आपको सारे बालों को लेके आना है। बालों को अच्छे से सुलझा लेंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है, गर्मियाँ चल रही हैं, बाल जैसे मेरे भी डैमेज और ड्राई हो गए थे, तो मैं अपने बालों को ठीक करने के लिए क्या यूज़ कर रही हूँ वो मैं बताऊँगी वीडियो के एंड में। अगर आपके बाल डैमेज ड्राई एंड रफ हो गए हैं तो आपको क्या करना है, बैक साइड से अच्छे से बालों को कॉम करना है। चेक कर लीजिए कि ईयर के जस्ट सेंटर में है या नहीं, तो इधर से सेंटर में है एंड इधर से सेंटर में है। अब हम लोग एक रबड़ बैंड लेंगे और एक पोनी बना देंगे। पोनी थोड़ा टाइटली बनाएंगे, लूज नहीं रखना। अच्छे से कॉम करेंगे, रबड़ बैंड एकदम सेंटर में होना चाहिए। ओके, सेंटर में है। इस तरीके से कॉम करेंगे। इस तरीके से फिंगर में पकड़ेंगे। उससे पहले आपको बैक की तरफ से एक हेयर का एक हेयर निकालना है। ये है हमारा पीछे का बाल,
ओके, और इसी के बराबर में सारे हेयर को कट करेंगे। वैसे ये हेयर लिया, इसका भी एक एक इंच इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब ये जो हेयर है इधर उधर से नहीं कट करना है, जो आपका बैक का लेयर था उसके साथ ही आपको लेना है हेयर को। जैसे ये हमारा बैक वाला लेयर निकला और जस्ट यहीं से आपको कट कर देंगे। इतनी लेयर मेरी निकली है 2 से 3 इंचेस तक। अब इसको दोबारा से चेक करेंगे कहीं से ये छोटा बड़ा तो नहीं है, अगर आपको छोटा बड़ा लगे तो आप इसको दोबारा से थोड़ा थोड़ा कट कर लीजिएगा। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था तो मैंने कट कर लिया। अभी आप देख सकते हो बिल्कुल बराबर है, ये कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं है। ओके, अगर आपको लगे कि छोटा बड़ा है तो आप उसको और कट कर लेंगे। इस साइड का थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो यहाँ से फिर से कट कर रही हूँ थोड़ा सा। अब देखिए अब बिल्कुल बराबर में है। अब हम लोग पोनी को ओपन करेंगे और बैक साइड भी जाएंगे। सेंटर पार्टीशन करके दोनों साइड के हेयर को इस तरीके से फ्रंट में लेके आना है। बिल्कुल गर्दन के बीचों बीच लेके आएंगे सारे हेयर। अब यहाँ से जो भी हेयर आपको पतले लग रहे हैं उनको कट करेंगे। बिल्कुल सेंटर में लेके जाना है और ये फिर से 2 से 3 इंच तक आपको कट करना है। जाना नहीं, पूरा वीडियो एंड तक देखना है। इसी से मैंने इतना ही कट कर दिए क्योंकि अगर इसको नहीं कट करते तो जब हम लोग कॉम करेंगे या फिर कोनी बनाएंगे तो बाल बहुत ही पतले दिखेंगे। तो ये कट किया, फ्रंट से एकदम बिल्कुल बराबर आ रहा है हमारा। एक बार और चेक कर लेंगे, कोई सा लेयर छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो ये बिल्कुल बराबर है। अगर फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो आप एक रबर बैंड ले लोगे और इस तरीके से रबर बैंड को लगाओगे। मैजिकल हेयर कट है जो कि बहुत प्यारा लगने वाला है।
से तो ये पूरा बराबर है। हाफ इंच और कट कर दे रही हूँ। बैग में जाके देखेंगे वालों को कहीं पे छोटा बड़ा तो नहीं। थोड़ा मिरर भी चेक कर लिया हूँ, बैटरी लो हुई है मेरे फोन की, तो मिरर में बिल्कुल बराबर दिख रहा है। वाह, अब इस तरीके से बिना पार्लर गए खुद से बहुत ही खूबसूरत सा हेयर कट कर सकते हो। ये बिल्कुल बराबर लग रहा है। तो एक बार मिरर में चेक करते हैं, बैटरी बिल्कुल लो हो गई है फोन की और जल्दी से बहुत ही प्यारा सा कट आया है मिरर में, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। आपको मैं दिखाऊँ मिरर में, तो ये देखो देखो एंड वाइज पीछे में देखो, बिल्कुल बराबर प्रॉपर कट आया हुआ है। और ये स्ट्रेट के साथ साथ मैजिकन हेयर कट भी हो गया। ये देखिए, अब आप फिर क्लचर लगाओगे तो ये बहुत प्यारा लगेगा। हल्के हल्के बालों को उठाते हैं इस तरीके से, क्लचर लगा दो। और जब आप पोनी बनाओगे तो आपकी जो पोनी है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं लगेगी, जैसे कि मेरी पहले बहुत बकवास कर रही थी, अभी सही लगी है। और बिल्कुल हाइट लेंगे तो बिल्कुल बराबर आ जाएगी जहाँ को मैंने कट किया हुआ था। तो अगर आप पोनी बनाते हो तो ये बहुत शॉर्ट दिखेगा, शॉर्ट हेयर कट में ये देखेंगे लोग इसको कि बहुत ही ज़्यादा छोटे बाल हैं। बट ऐसा कुछ नहीं, जब आप खोलोगे तो ये काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से हेयर कट समझ में आया हो। वाओ, कैसा लगा आपको हेयर कट? आई होप कि पसंद आया हो। तो आपको अगर पार्लर में जाना है और आपको इस तरीके से एडवांस स्टेप हेयर कट चाहिए शॉर्ट में, तो आप कट कर सकते हो और काफ़ी अच्छा लुक अपने हेयर को देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अभी मेरे बाल गीले हैं लेकिन सूखने के बाद बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ गया होगा, आ जाएगा। गीले बालों में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, अगर आप इसको स्ट्रेटनिंग कर देंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। बट मेरे बाल कर्ली हैं तो कर्ली बालों पे ये कैसा दिखेगा वो मैं आपको बाल सूखने के बाद दिखाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मेरे बाल सूख चुके हैं और ये देखिए काफ़ी मतलब प्यारा लग रहा है, सारे लेयर अच्छे से दिख रहे हैं और काफ़ी अच्छा। अगर पतले हल्के बाल हैं तो अगर आपके बालों में कुछ अच्छा सा हेयर कट चाहिए तो आप ये हेयर कट कर सकते हो। अगर पतले हल्के बाल हैं तो मेरे भी बहुत पतले हो गए हैं इस टाइम पे, झड़ झड़ के, जैसे कि मैं बता रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी जिसकी वजह से मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो चुका था, लेकिन अब रुक गया है और हेयर भी काफ़ी हद तक सुधर गए हैं। जो झाड़ू जैसे हो गए थे रफ ड्राई, वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो रहे हैं। और सब चीज़ों का मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताती जाती हूँ कि क्या कर रही हूँ अपने बालों के साथ, जैसे कि ठीक हो रहे हैं। और हेयर कट पहले ले लीजिए अगर आपके बाल भी मेरी तरह हैं तो, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। इस तरीके से क्लचर लगाओ, पोनी बनाओ, खुले रखो, सारे तरीकों से बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आपको कैसा लगा आज का हेयर कटिंग? आई होप कि पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, हेयर कटिंग अच्छी लगी हो। पतले हल्के बालों वालों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिनके भी बाल पतले हल्के और कटिंग समझ में नहीं आ रही कि कैसी कटिंग करनी चाहिए, तो ये कटिंग उनके लिए बेस्ट रहेगी, जिससे थोड़े बालों में वॉल्यूम भी आ जाएगा और लुक अच्छा दिखेगा।